Sir, guard is ready for inspection.
ऐवाने सदर के मनाजर आप देख रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और सदारत का मनसब संभालने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्ला अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और इस तकरीब में आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी इस तकरीब में मौजूद हैं। इस वक्त के मनाजर आप देख रहे हैं, उनकी जानब से फर्दन फर्दन मुसाफा भी किया जा रहा है। ऐवान सदर के बराह रास्त मनाजर आप मुलाहजा कर रहे हैं। सदारत का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए ये तकरीब है। मुसल्ला अफवाज के दस्ते की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बिल्कुल, सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब ऐवान सदर में इस वक्त जारी है। सदर का मनसब संभालने के बाद ऐवान सदर पहुंचे हैं आसिफ अली जरदारी, जहां पर उनके स्टाफ से इस वक्त उनकी मुलाकात कराई जा रही है। वाहिद सियासी शख्सियत हैं जो दूसरी बार इस मनसब पर फाइज हुए हैं और दूसरा मौका है आसिफ अली जरदारी के लिए कि वो ऐवान सदर के मकीन बने हैं। मुसल्ला अफवाज के दस्ते सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर चुके हैं। रिवायती बग्घी में वो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ऐवान सदर की जो रिवायती बग्घी है उसमें बैठ कर वो आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी उनकी साहिबजादी, और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर इस तकरीब में मौजूद हैं। तो ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी पहुंच चुके हैं। ये दूसरा मौका है कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर पहुंचे हैं। सदारती इंतखाब उन्होंने लड़ा और सदारती इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से उन्होंने हिस्सा लिया। सदारती इंतखाब में बड़ी अददी अक्सरियत उन्होंने हासिल की और फिर कल हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हलफ लिया और हलफ लेने के बाद अब बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। साबिक सदर भी रह चुके हैं और इस वक्त मौजूदा सदर हैं आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, और इस वक्त पाकिस्तान के सदर की हैसियत से ऐवान सदर के मकीन बने हैं और अब उनका बाकायदा इस्तकबाल कर रहे हैं। वहाँ पर मौजूद जो उनका स्टाफ है उससे बाकायदा उनकी मुलाकात कराई जा रही है। तो आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफ़ा सदर मुमलिकत बने हैं और ये दूसरा मौका है कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर के मकीन बने हैं। उनके स्टाफ से उनका तारुफ इस वक्त कराया जा रहा है और रिवायती मुस्कुराहट जो उनके लबों पर रहती है उसी रिवायती मुस्कुराहट लिए मुसाफा कर रहे हैं अपने स्टाफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजज़ मेहमान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसमें हमें नुमाया नज़र आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी साहिबजादियाँ, दोनों साहिबजादियाँ। हमने ये देखा था कि जिस दिन इंतखाब लड़ा गया है कौमी असम्बली में, उस दिन भी वो तीनों ही वहीं पर मौजूद थे, चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी तो कौमी असम्बली के मौजज़ रुकन हैं तो वो तो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वोट भी दिया अपने वालिद साहब को। लेकिन ये सारा मामला देखने के लिए, ये विटनेस करने के लिए उनकी साहिबजादियाँ भी यहाँ पर मौजूद थीं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर के अंदर दाखिल हो गए हैं, ऐवान सदर में वो जा चुके हैं। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब है और रिवायत रही है कि जब भी ऐवान सदर का कोई नया मकीन आता है तो उसको उसका इस्तकबाल किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर उसे पेश किया जाता है, और जब भी कोई रुख्सत हो रहा होता है, मौजज़ सदर यहाँ से रुख्सत हो रहा है इस बड़े घर से, तो उसको भी गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुख्सत किया जाता है। तो आरिफ अलवी साहब भी यहाँ से रुख्सत हो चुके हैं और अब ऐवान सदर के नए मकीन जनाब आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर के नए मकीन बन गए हैं और उन्हें आज गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया गया है।